अपनी मेहनत के साथ आगे आ रही है। तो रही है डैडी, आ जल्दी आ। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम जा रहे हैं देहरादून केव देखने। यानी मेरे साथ है रेडी होकर सुबह के 5 बज रहे हैं। 5 अभी बजे नहीं है, मतलब नहीं बजे, 4:30 ऐसे कुछ हो रहा है और हम अंधेरे में निकल रहे हैं। तो एंजॉय करते रहिए हमारे साथ, आपको रास्ता दिखाएंगे, बाकी आपको केव दिखाएंगे, वहाँ चल के देखना, आपको बहुत मजा आएगा। हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं आपको रास्ते में, ठीक है? तो हम लोग हाईवे पे पहुँच गए हैं। बस अभी आराम से चलाएंगे, बस थोड़ा दिन हो जाए फिर देखेंगे। हाँ, फिर जब अभी दिन होगा ना, फिर आपको हम सनराइज भी दिखाएंगे। तो अब दिन हो गया है, आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है हाईवे। खाली खाली ना, खाली खाली था। हाँ, सुंदर लग रहा है। तो दोस्तों फाइनली पहाड़ देखने शुरू हो गए। देखो सामने कितने मस्त जा रहा है हाईवे, पहाड़ थोड़ा ब्लर है पर वो सामने पहाड़ स्टार्ट हो गए। तो यहाँ पे थोड़े से क्लियर हुए हैं पहाड़। बिहारीगढ़ रुके हैं, आप पकौड़े चाय की दुकान पर रुके हैं, एक्टिवा भी आराम मिल रहा है। फिर जानी चाय पकौड़े खाने हैं। ठंड ठंड अभी उतार रही हूँ मैं। बैठ जाए जानी, तो चाय पकौड़े आ गए हैं खाने लगे हुए। देहरादून निकेत मंसूरी चक्राता पास पास ही है सारा कुछ ना। ये नवी नवी रोड बन रही है, गई होगी। तो जानी पुल पार करते हुए निकल रही है, आ गए बहुत काम। तो आ गए हैं, अब हम टनल के अंदर जाएंगे। जानी कैसा लग रहा है टनल के अंदर जाने में? बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे ड्राइविंग करने में मजा आ रहा है। आराम से आराम से चल, साइड में से निकाल मिट्टी यार, इधर से मत कट मार, निकाल ले उधर से, निकल जाएगी। खींच ले खींच ले। अब हम आगे हैं टनल से बाहर। ये भाई रास्ता तो मजेदार हो गया यहाँ से। तो आपका स्वागत है, वेलकम वाले मित्र, वेलकम उत्तराखंड में आपका स्वागत है। अलग अलग जगह में पेंटिंग बहुत अच्छी कर रखी है, आप ये देखिए, जैसे ये देखिए है ना। आगे चलो मैं दिखाता हूँ। पूरे 5 किलोमीटर रह गया केव, हम पहुंच गए हैं देहरादून। गुच्चू पानी हम पहुंच चुके हैं, रॉबर्ट्स केव भी बोलते हैं इसे। तो अभी हमें इधर मुड़ना है। चल भाई जानी, आज हमारा ड्राइवर जानी है इधर, मतलब इधर से तो नहीं नहीं इधर जाना। हमें स्टूडेंट वगैरह शुरू हो गया केव से पहले। आप यहाँ पे आके खाना पीना कर सकते हैं, देखो कितने रेस्टोरेंट है, चप्पल वगैरह। ओ भाई आगे रोहित चौधरी हैं जिन्होंने हमें चप्पल दिया, आप यहाँ से चप्पल वगैरह लेके जा सकते हैं, सामान पार्किंग वगैरह कर सकते हैं। जानी तो सर्जरी है रोहित चौधरी, कैसे हो रोहित चौधरी?
तो हम यहाँ पहुँच चुके हैं केव के पास। तो ये पार्किंग है, आपको यहाँ पार्किंग लगानी पड़ेगी और जेनी रेडी हो चुकी है। 20 रुपीज की पार्किंग है। अगर आप शूज पहन के आए तो आप वहाँ से चप्पल भी ले सकते हैं 10 रुपए की उधार, और फिर वापस करनी है जब आप आओगे। ठीक है जा। ये लो भैया, एंटर कर रहे हैं हम किसी के मुंह के अंदर से जा रहे हैं हम। तो जी पानी यहाँ से शुरू हो गया झरने। हाँ भी जानी, बहुत मजा आ रहा है। अभी तो शुरुआत ही हुई है, अभी तो मजा आएगा। तो ड्राइविंग करके मजा आता बस। जानी कह रहे झूले ले लेंगे। जानी तू छोटी बच्ची है। हाँ। जानी के स्कूल के बच्चों देख लो झूले है, आप भी आ सकते हो घूमने। कैफे बना रखे अंदर, ठीक है। पानी कितना साफ है यार, साफ है। हमारी गुफा की यात्रा शुरू होने वाली है केव की। आप ये पीछे देखिए, ठंडा ठंडा पानी में गई, छपैक छपैक। अरे कुछ नहीं है यार, डर मत। पानी तो तेज है और पानी साफ है, ये अच्छी बात है। ये पत्थर पत्थर आ जा ना। पानी में डुबा दो तेरा फोन, डुबा दे, वाटरप्रूफ है मेरा फोन। हम आ गए हैं और अभी आगे आगे भाई। धीरे धीरे हम केव की ओर जा रहे हैं। ऊपर देखो कितनी ऊपर से नीचे तक, मतलब पानी में किस तरह से अपना रास्ता बना रखा है। देखो धीरे धीरे ना नीचे आ ही जा रहा है। तो पानी में मैंने सोचा था बहुत ठंडा होगा, इतना ठंडा है नहीं। हाँ भी जानी, जितनी तो सामान समेटने में लगी हुई है। शूट चल रहा है। हाँ जरूर, गुड लक। हाँ ऊपर देखो कितना ऊपर से कितना नीचे तक आ गया ये। हाँ क्या कह रहे हैं आप? कुछ नहीं, आज सवेरे का पहला झरना आ गया। तो ये केव का पहला झरना है। कुछ नहीं है यार, दुनिया है ये भी। यहाँ बस ये काम ना क्या करो, यहाँ से ना पानी की बोतल ये सब। किधर? एक मिनट स्माइल। मैं इतनी भीड़ भी नहीं है, बाकी ये रास्ता है यहाँ से जाएंगे एरो बने हुए, इसके साथ साथ हम आगे तक जाएंगे उधर कहीं। अभी तो बहुत रास्ता है जानी। तो जानी ट्रैकिंग कर रही है देखो। बाकी यहाँ से अभी हमने जाना है, ये केव के एरो के निशान दे रखे हैं। आओ 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 ले हाथ पकड़। स्ट्रॉन्ग हम, टूट गया पहाड़ जानी के उठाते ही। ये देखो कितना टूट गया पहाड़, ये देख रहे हो आप एरो, ये एरो दे रखे हैं उधर, मतलब कैंटीन ऊपर बना रखी है। और ये देख कैंटीन बंद है लेकिन अभी, और हम बहुत सही टाइम पे हैं, मॉर्निंग में इतनी भीड़ नहीं है, चलना मुश्किल हो जाता। भी मेहनत के साथ आगे आ रही है कैंटीन 100 मीटर बाद। बाकी ये है यहाँ एक झरना और है। ये देखो पेड़, ओहो कितना ड्रामा है। ये एक झरना हो रहा है, देखो फ्लो, देखो पानी का कितना तेज है। मेरी आके जाने की हिम्मत नहीं है, मैं आके नहीं जाऊंगा। ओहो अरे जानी देखो पीछे खड़ी है, चले। तो देखा आपने, अब आपको दो झरने दिखा दिए और दिखाएंगे बाकी। भाई बहुत ही डेंजर है यहाँ।
तो चलो शेर गुफा से बाहर आ रहा है, जो अपने आप में शेर समझता है पर है नहीं। तो अभी ये देखो हमें वहाँ जहाँ एरो दिख रहे हैं ना, हमें वहाँ ट्रैकिंग करनी है, आप लोगों को दिखाना है कि आगे है कि शायद वो कह रहे हैं आगे एक फोर्ट है, तो लेट्स सी। तो हमें यहाँ से होते हुए जाना पड़ेगा उस किले की तरफ, लेट्स गो। अभी पीछे और आ रहे हैं हमारे साथ। ओके सो आगे चल के मिलते हैं हम आपको। तो बहुत मजा आ रहा है इधर देख। तो अभी वो पूरा चढ़ेंगे हम लोग। अब इधर जाना हमने, देख लो बिल्कुल नीचे होकर आइयो। जानी स्लो हो जा थोड़ा सा, जब पानी ज्यादा होगा तब ये पेड़ आ गए होंगे बाढ़ में। देखो हाँ भी हाँ, जो कितना घना दे रहा है यार। आओ आओ, नहीं यार मस्त है, रास्ता बंद कर रखा है। चलो वो क्या है डिस्कवरी में आता वाइल्ड, बस कैसा लगा ये ट्रैक कंप्लीट किया भाई? बाकी छोटा था लेकिन बड़ा ही डिफिकल्ट था, बाकी मजा आया ना। सबसे डिफिकल्ट वो वाला था पहाड़ चढ़ना, स्लिप हो रहे थे। हाँ पैर स्लिप हो रहे हैं, बाकी मजा आया ना। बहुत मजा आया, बट अभी आगे जाना है जब तक एरो खत्म नहीं होते हैं। थोड़ी चप्पल और पकड़िए द्वारा। हम पहाड़ों को बिल्कुल बीचों बीच ये गुफाएं बनी हुई है इसमें चल रहे हैं। कैसा लग रहा है जानी कैब में घूमने? अच्छा लग रहा है, मतलब पहले नीचे तो ना डर लग रहा था पानी का शोर सुन के और गुफा चारों तरफ से बंदी, अब थोड़ा ओपन आया ना अब थोड़ा लग रहा है कि हाँ रिलैक्स। अभी तो सफर शुरू हुआ है, बाकी पानी देखो, पानी सच्ची में कितना साफ है, मतलब साफ पता लग रहा है कि नीचे कुछ है, गंद नहीं है। लेकिन लोगों ने बहुत ये ना कोल्ड ड्रिंक पी के गंद पा रखा है, फिर भी यार लोगों को ऐसे देखिए बैग फेंक रखे हैं ये बोतलें, गलत बात है। तो ये सोच रही जो डाकू है वो कैसे छुपते होंगे इसमें हथियार। कौन सा डाकू था यहाँ? सुल्तान। तो ये सुल्तान की गुफाएं हैं, आगे उसका महल भी है, अगर हमें मौका लगा तो हम जरूर दिखाएंगे, बाकी आगे जाके बताएंगे। मतलब उस टाइम पे शायद नदी ना हो या जो भी है, बट नहीं नदी तो शुरू से ही थी यहाँ। तो फिर कैसे करता होगा मतलब यार? ओ देखो मैं जाऊंगी। तो ये देख रहे हो ये नदी ने कैसे कैसे यहाँ पे गुफा का डिजाइन बना दिया और कितना ही सुंदर। आओ आपको शेर दिखाता हूँ, यहाँ पे शेर भी है, थोड़ा संभल के चलना जानी, जानी तो डर गई थी जब मैंने सोचा शेर है, बाकी वो डर गया तेरे को देख के। 2 मिनट कैमरा बंद करिए, एक और चीज दिखाता। चलो थोड़ा ओपन सा एरिया आया है, बाकी यार लोगों ने गंद बहुत सच्ची लिटरली बहुत गंद पा रखा है। वो देखो सामने लोग वापस भी आ रहे हैं, ये किसी और रास्ते से आए हैं क्या? चल रही है यानी इधर देख, थक रही हूं। नहीं हम अब आगे जाके मिलेंगे थोड़ा सा। हाँ। ठीक है दोस्तों, बाकी मजा आ रहा है, आप लोग भी यहाँ आ सकते हैं, सवेरे 7 बजे ओपन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, बाकी जंगल के मुझे बंदर है बंदर। अब यहाँ से निकल के हमने ओ कोने की तरफ जाना है, जानी रेडी है? नहीं यार ये दलदल है, इसमें मत जाओ, उधर से चलते हैं। चलिए पानी वाले रास्ते आ गया, ओहो जय हो, चढ़ गई है जानी, चल जानी पकड़ ले। आ जा, बहुत मजा आ रहा है। क्या कुछ नहीं था जानी, डर रही है पानी में, कुछ कुछ लग रहा है तो पानी में गिल्ला ही लगेगा। बाकी देखो पीछे पूरी नदी है, ये पूरी नदी में से होके हम जा रहे हैं, बाकी यार मजा आ रहा है। ध्यान से चलिए, काई है यहाँ पे, मत चुप काई। हाँ। केव के बीच में देखे धूप कितनी प्यारी लग रही है, और अभी आगे पता नहीं कहाँ तक जाना पड़ेगा हमें। एक तो लोगों ने गंदी कर रखी है ना। चलो
हो रही है। डैडी आ जल्दी आ। काफी हद तक हम चल पड़े हैं तो थोड़े दूर कुछ लोग तो वापस हो रही है। ये इसका जीरो पॉइंट है और ये लास्ट कैफे है। किला पीछे ही है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एरो यहीं खत्म। जगह पे डाकू रहते थे, अपना खजाना यहीं कहीं छुपाया करते थे। आगे किला है, मैं आपको किला दिखाऊंगा। चप्पल जा रही थी। बाकी केव ने देखो, ये नदी ने कैसे कैसे अपना रास्ता बना रखा है। बहुत से लोग धीरे 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 आ रहे हैं। तो एक मछली पानी में गई, आ जा। एक मछली पानी में गई, छप्पा। तो फाइनली हमने ये रील कंप्लीट कर दी अपने ब्लॉग में। तो हम उसकी किले के पास आ गए हैं। हाँ। यही है, यही है डाकू का किला, देखो सामने बना हुआ है। जानी देख लिया फाइनली, ये डाकू का किला देख लिया। हाँ ये डाकू है, ये सामने है देखो। के क्या मस्त केव है। से भाई आए हुए हमारे साथ ही चल रहे थे। क्या क्या बनाता भाई, क्या नाम है? अंकित। मैगी और चाय वगैरह नहीं है? चाय है, कॉफी है? कॉफी भी नहीं है। कितने की है मैगी? 60। 60 की, ठीक है। एक मैगी कर दो। 30 रुपए। बैठे हैं हम डाकू के किले में ही आए, देखो ये बना हुआ है। आओ मैगी खाओ। अंकित है हमारी मैगी बना रहा है। ये पूरा रेस्टोरेंट है। और देखो पीछे चिंपैंजी चढ़ा हुआ है। वो चप्पर तैर रही है, वो उनको पकड़ने नहीं दे रहे। और ये हीरो की रिजार्ड रहा है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। देख वीडियो कॉल कर, अब हो जाएगी, अब हो जाएगी। करके देख के साथ ये नदी में बैठ के मैगी। हाँ वो भी गुफा में, नदी वो भी गुफा में। हेलो इधर इधर बाहर से, बाहर से फॉरेन से भी घूमने आया सब। जानी कहाँ पहुंच गई है। अरे तो देख सकते हैं आप कितनी ब्यूटीफुल केव है। बस अब ये यहीं पे खत्म है और अब हम जा रहे हैं किसी और लोकेशन पे। हम सही टाइम पे आ गए थे जानी, है ना। ये यहाँ से पानी भी निकल रहा है दीवारों से। दोस्तों फाइनली हम केव से बाहर आ चुके हैं। अब तो भीड़ भी काफी हो गई है। हम इस ब्लॉग का यही एंड करते हैं। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। और सुबह 7 o'clock तक ही ओपन हो जाता है, उसके बाद बहुत ज्यादा रश हो जाता है। तो अगर आपको मतलब खाली घूमना है की तो सवेरे सवेरे का टाइम है, तो सुबह सुबह आप आ सकते हैं 7 बजे 8 बजे 9 बजे तक, उसके बाद रश हो जाता है। और ये शाम 6 बजे तक खुला होता है। और बहुत ही अच्छी जगह है, बड़ा मजा आया। झरने हैं और आगे किला भी बना हुआ है। नाम का ही किला, बस है किला बोलते हैं। बाकी यहाँ मैगी मूवी का हमने एंजॉय किया। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। टाटा बाय बाय।